हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तीन डिफरेंट ओपनिंग के ट्रैप्स देखने वाले हैं। सो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तीनों ट्रैप्स को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। e4 d5, ये सेंटर काउंटर डिफेंस कहलाता है। e into d5, queen into d5, knight c3, क्वीन पर अटैक किया है वाइट ने, queen a5, ब्लैक ने जो है एक्सरे अटैक किया हुआ है किंग पर, d4, knight f6, bishop c4, वाइट का टारगेट f7 पॉन है, bishop f5, bishop d2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d2 bishop a5 क्वीन पर एक्सरे अटैक किया हुआ है, c6 queen e2, वाइट ने अपने c4 बिशप को प्रोटेक्शन दे दिया है, king e8 पर एक्सरे अटैक, और वाइट प्लानिंग कर रहा है लॉन्ग कैसल करने की, knight bd7। ये यहाँ पर दोस्तों गलत चाल है, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे वाइट इसका एडवांटेज दे सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। knight b5, ये गुड मूव है, queen d8 एंड knight d6 चेक, ये एक बहुत ही क्विक चेकमेट हुई है, सो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं अपने गेम में। चलिए आइए दोस्तों दूसरा गेम देखते हैं। ये ओपनिंग आजकल काफी फेमस है, लंदन सिस्टम है, हमारे वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन की वजह से आजकल ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सभी बच्चे से लेके बड़े तक सभी इस ओपनिंग का यूज कर रहे हैं। तो आइए चले देखते हैं। knight f3 d5 d4, knight f6 bishop c4, ये लंदन सिस्टम कहलाता है। c5 ब्लैक अटैक कर रहा है वाइट के सेंटर पर, c3 queen b6, b2 पॉन पर अटैक किया है ताकि इस रुक को मारा जा सके, queen c2, यहाँ पर व्हाइट ने एक ट्रैप सेट किया है और ब्लैक को इनवाइट कर रहा है कि bishop f5 खेल के b2 पॉन को मार लें। सो bishop f5 यहाँ पर ब्लैक ने खेल लिया और ये व्हाइट के ट्रैप में आ चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ब्लैक की चेकमेट होने वाली है। queen to f5, queen into b2, देन queen c8 चेकमेट, देखिए कितनी जल्दी चेकमेट हो गई। सो दोस्तों आप लोग इस ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आइए तीसरा ट्रैप देखते हैं, जो कि इंग्लिश ओपनिंग का है। आज हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग लिए हैं ताकि जो है आपको सभी तरह के ओपनिंग्स का आइडिया लग सके, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखते हैं इस गेम को। knight f3, knight f6 c4, ये इंग्लिश ओपनिंग कहलाती है। g6, ब्लैक bishop g7 खेलकर इस डायगोनल पर प्रेशर बनाना चाहता है। knight to c3, देन d5, c into d5, knight into d5, e4, व्हाइट अपने सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। knight into c3, d into c3, यहाँ पर b into c3 भी खेला जा सकता था, वो भी ठीक रहता। knight d7 यहाँ पर ब्लैक ने खेला, जो कि इतनी अच्छी चाल नहीं है यहाँ पर, ब्लैक ने यहाँ पर knight d7 मूव चूज किया। सो bishop c4, bishop g7, और यहाँ पर व्हाइट को कॉम्बिनेशन लगाने का मौका मिल गया, bishop into f7, king f8 इन्होंने यहाँ खेला, बट अगर ये king into f7 भी खेलते तो knight g5 के बाद सारे ही वेरिएशन में यहाँ पर ब्लैक हार रहा है। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है ब्लैक के पास। ब्लैक king g8 जा सकता है, सो queen d5 चेक, e6, queen into e6, king f8 एंड queen f7 चेकमेट हो रही है, और अगर यहाँ पर ब्लैक king f6 चूज करता है, सो queen f3 चेक, king e5 ओनली ऑप्शन है, सो queen f4 चेकमेट अगेन। यहाँ पर अगर ब्लैक king e8 चूज करता है तो knight e6, और देखिए क्वीन यहाँ पर ट्रैप हो गया ब्लैक का। अगर यहाँ पर king f8 चूज करता है ब्लैक तो knight e6 और नाइट फॉक्स से फिर क्वीन मर रहा है। सो सारे ही ऑप्शन में ब्लैक को काफी हैवी लॉस हो रहा है, इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर king f8 मूव चूज किया, बट इससे भी वो बच नहीं पा रहा है, क्योंकि knight g5 के बाद जो knight e6 आ रहा है इसको रोकना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसे रोकने के लिए इसने knight c5 खेला, बट सडनली ही रियलाइज कि queen d8 से चेकमेट हो गई। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, होप ये गेम आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।